conduction of electricity. Okay, conduction of main point का नाम है conduction of electricity. अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि दो होता है, अगर कोई कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का तो दो चीज है, या तो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है या तो या लिक्विड या सॉल्यूशन फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, तो दो जगह है यहाँ पे कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो सॉलिड होते हैं या फिर लिक्विड या फिर सॉल्यूशन होते हैं, यही जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करते हैं. चलो सॉलिड में अगर हम लोग बात करें, सो एज वी हैव सीन इन चैप्टर वन, वी कैन जस्ट क्लासिफाई इट एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट्स अ मेटल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, देन आई कैन से सेमी मेटल, और लास्ट में आई कैन से नॉन मेटल. ओके, चलो सबसे पहले मेटल, फिर सेमी मेटल, लास्ट में कौन रहता है बच्चों, नॉन मेटल रहता है, लिक्विड सॉल्यूशन. ठीक है, पहले हम लोग इन तीनों की बात करेंगे, फिर हम सॉल्यूशन में कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ना वो देखेंगे. लेकिन पहले हम क्या देखने वाले हैं बच्चों, कि जो सॉलिड होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करता है. तो बेसिकली एक बात बता दूं, इन सभी में इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, अगर सॉल्यूशन है तो उसमें आयंस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं. समझाता हूं कैसे, तो अकॉर्डिंग टू द कंडक्टिविटी हम लोगों ने इसके सॉलिड के हमने तीन पार्ट में क्लासिफाई किया है, गुड कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर. गुड कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड हम लोग बोल सकते हैं इंसुलेटर. तो हम लोग बात करते हैं सॉलिड में मेटल की, कि मेटल जो है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ऐसा तो क्या होता है मेटल में कि वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन अच्छे से करते हैं. चलो हम वो बात भी देखते हैं, चलो हम लोग वो बात अभी यहाँ पे देख लेते हैं. ठीक है, कि सोचो कि अगर सॉलिड है तो एक वायर ले रहा हूँ मैं कॉपर का, यहाँ पे एक सॉलिड है, मैं कॉपर का वायर ले रहा हूँ. सपोज ए रहा हमारे पास कॉपर का वायर है, आपने फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है बच्चों, लेकिन हमारे केमिस्ट्री में जो टर्मिनोलॉजी है वो तो समझानी पड़ेगी ना आपको, तो इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ. यहाँ पे क्या होता है, कर्नल है, आपको पता है ना मेटालिक बॉन्ड में हमने देखा था, यहाँ पे कर्नल्स होते हैं, ये सभी कर्नल्स है, ये रोड ऑफ कॉपर है, कॉपर मेटल है ये, और यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन है, अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल लगा रहे हो, यहाँ पे प्लस लगाते हैं यहाँ पे माइनस लगाते हैं, बैटरी से आप पोटेंशियल लगाते हो इस कॉपर को, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेगा प्लस की ओर, यस और नो, और आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है हमने उसकी डायरेक्शन लिया अपोजिट टू दैट इलेक्ट्रॉन फ्लो. लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उसने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की, करंट फ्लो हो रहा है, इट्स लाइक अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो कौन कौन से पैरामीटर है जो इस इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास मेनली आर, रो, के, आर, रो, के एंड जी, जी एंड के, ये चार टर्मिनोलॉजी है वो इसके साथ जुड़ी हुई है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ. चलो आपको क्या लगता है कि जैसे मैंने कॉपर लिया तो एल्यूमिनियम में भी उतने वोल्टेज में क्या उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती होगी क्या? नीतीश आंसर दो मुझे, सुनाई दे रहा है ना बच्चे आपको? नो सर. ऐसा क्यों बताओ? सेम, बिकॉज सबका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगा, कंडक्टेंस भी डिफरेंट होगा सबका. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा बच्चों, उसके लिए मुझे कुछ टर्मिनोलॉजी डिफाइन करनी पड़ी. यहाँ पे ये जो है वो मेटल में कितना इलेक्ट्रिसिटी करंट पास होगा
वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो सबसे पहले नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल, दूसरा है टेम्परेचर, और तीसरी अगर मैं बात बताऊं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये तीनों चीज है। और यहां पे आप कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, ये तीनों चीज है वो डिसाइड करेगी कि आपका जो मेटल है वो कितनी अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। समझ रहे हो पूरी बात अब मेरी, यस और नो? यस सर। ओके, अब सबसे पहले हम कौन लेते हैं बच्चों, आप देखो सबसे पहले हम लोग कौन लेते हैं बताओ, सबसे पहले हम लोग लेते हैं रेजिस्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंट, तो मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंट, to oppose the flow of electron. Yes, it's a factor which will oppose the flow of electrons. Electricity को resist करेगा। एक बात बताओ, अब आप थोड़ा सा मुझे सोच के बताना एक बार, ठीक है? अब आप थोड़ा सा एक बार मुझे सोच के बताओ, आपके पास पाइप है, आपके पास पाइप है सपोज, पानी जिसमें से हम लोग H2O फ्लो करवाते हैं, वो पाइप सपोज आपके पास, ये एक पाइप कुछ ऐसी है, सेम डायमीटर है, सोच लेना थ्रू आउट सेम डायमीटर है, और एक पाइप ऐसी है लंबी पाइप, तो दोनों में से पानी को निकलने में ज्यादा रेजिस्टेंस कहाँ पे चलेगा, कहाँ पे लगेगा ज्यादा रेजिस्टेंस, वो बताओ। ये एल है और ये भी एल है, इन दोनों में से सर जिसकी लेंथ ज्यादा है, यस, तो मैं ये बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द एल, यस और नो? चलो अब मैं लेंथ को कॉमन कर देता हूँ, तो सपोज लेंथ इतनी ही रखनी है, इसका जो क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो ज्यादा है, इन दोनों में से इसका A1 है और इसका A2 है, बताओ कहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होता होगा, पानी कहाँ से एरिया कम, यहाँ से पानी का रेजिस्टेंस ज्यादा है, यस और नो? क्यों बताओ, इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा, है सर। और यहाँ पे आर कैसा होगा, लेस, क्यों, एरिया ज्यादा है, तो आपका जो ये वाटर है वो क्या होगा बच्चों, इजीली क्या हो जाएगा, यहाँ से पास हो जाएगा, आप समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। ओके, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर इज प्रोपोर्शनल टू दी 1 बाई ए, तो मेरा ही आ गया आर इज प्रोपोर्शनल टू द एल बाई ए आ जाएगा, आर इज प्रोपोर्शनल टू द एल बाई ए आ जाएगा, यस और नो? हाँ या ना बोलो, यस सर। ओके, तो अब अगर मुझे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चाहिए तब मैं ये कर रहा हूं, R is equal to rho L by A. Rho is the proportionality constant and rho is constant for metal at a fixed temperature. Temperature change होगा तो rho change होगा, okay? लेकिन जिस किसी भी material के लिए rho की value कैसी रहती है बच्चों, constant रहती है, इस रो की वैल्यू कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, ओके, यस और नो? आया ना, रो क्या है, रेजिस्टिविटी। अब पहले रो के बारे में, पहले आर के बारे में पढ़ते हैं, तो आर आपको पता चल गया मैं क्या बोलना चाहता था, आर आया ना? चलो मैं आर क्या बोलना चाहता था मुझे बताओ, R is equal to rho L by A. और मैं ये आपको समझा दिया मैंने कैसे ये लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शन के कैसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर मुझे इसका यूनिट चाहिए तो यूनिट जो है उसका, उसको बोलते हम लोग ओहम, एंड फाइंड आउट SI यूनिट, वो आपका काम दे रहा हूं मैं, कल मैं आपको पूछूंगा फाइंड आउट SI यूनिट मोस्ट टाइम PMC।
फाइंड आउट जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, लेकिन आपको प्रूव करना है कि किस तरह से आप लोग जो ये आ रहे हैं उसका ऐसा यूनिट मुझे कल तक देते हो, ठीक है? या फिर आप वीडियो के कमेंट में लिख देना कि आर का क्या यूनिट रहता है ऐसा यूनिट। आर को हम लोग बोलते हैं ओहम, ओहम। सो इट्स बेसिकली यूनिट फॉर रेजिस्टेंस, एंड ऐसा यूनिट वो आपको डिराइव करना है, ठीक है? चलो, क्या है ओहम मीटर? गलत बात है भाई, टेक्स्ट बुक से देख के मत बोल। ओहम का ऐसा यूनिट बहुत ही डिफरेंट आता है, ठीक है? चलो अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में। बता दूं आपको ओहम का क्या होता है वो, कि आप ढूंढने की ट्राई करोगे। चलो मैं बता देता हूं, ओहम इज इक्वल टू ऐसा यूनिट जो है वो कुछ इस तरह से केजी इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड क्यूब इंटू एम्पियर स्क्वायर। लेकिन ये कैसे डिराइव होता है वो आपको मुझे बताना है, ठीक है? केजी इंटू मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेकेंड क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब ए स्क्वायर। तो ए मुझे आप बताओगे, इज इट क्लियर, यस और नो? आर के बारे में पता चला रेजिस्टेंस, और दूसरी बात कहता हूं रेजिस्टेंस का सीधा मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो उसको कौन सा फोर्स रेजिस्ट कर रहा है और उसकी एबिलिटी कितनी है। तो उसके लिए एक चीज आती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दूसरी जो चीज है वो मैं आपको बता दूं, रो इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और आई कैन से इट्स अ रेजिस्टिविटी। इज इट क्लियर, यस और नो? ओके, ये क्या होता है? तो रेजिस्टेंस ऑफ मेटल हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज रेजिस्टिविटी। समझ रहे हो बात? आपको कर क्या देना है वो मैं बताता हूं। अब देखो, रो इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, रो को अगर हम लोग क्या बनाए, सब्जेक्ट बनाए, तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल। तो किसी भी मेटल के लिए रो कांस्टेंट है, कॉपर है तो हर बार कॉपर आप कितना भी लो उसका वो कांस्टेंट रहता है। क्या होगा, आप एक काम करो, ऐसा कॉपर का एक वायर निकालो, एक ऐसा कॉपर का वायर निकालो जिसकी लेंथ जो है वो कैसी होती है, यूनिट 1 मीटर स्क्वायर रख दो ना, उसका एरिया जो है 1 मीटर, उसका एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर, इन शॉर्ट यूनिट क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ। अगर ऐसी चीजें है आपके पास तब जाके आप क्या बोल सकते हो, ये जो है आर इज आर इंटू ए बाय एल। तो अब हम क्या बोल सकते हैं बताओ अच्छे से, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ अच्छे से बताओ, ये वाला जो है बच्चों, ओके, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो रो के बराबर होगा, मींस इसको रेजिस्टिविटी बोलेंगे। समझ में आ रही है बात, इनको यूनिट कर देना है। हेलो बच्चों, यस सर। और ये जो होता है वो फिक्स होता है फॉर मेटल, अगर मेटल का नेचर चेंज होगा तो रो चेंज होगा, और दूसरा एक टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी जो है वो डिफरेंस आ सकती है। और इसका यूनिट को बता पाएगा मुझे, इसका यूनिट क्या होता होगा सर? ओम मीटर। ओम मीटर, ओहम, देखो आर का होता है ओहम, इसका होता है मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, इसका आंसर आ गया ओहम इनटू मीटर, या फिर ओहम इनटू सेंटीमीटर भी कर सकते हो, तो ये रो का यूनिट हो जाएगा। यस और नो सर? ये साइज और शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं करता, ये कांस्टेंट है, साइज और शेप के ऊपर डिपेंड करता है आर। अगर आपने लेंथ और ए चेंज किया तो आर भी चेंज हो जाएगा, लेकिन वो इस तरह से चेंज होगा कि रो कांस्टेंट मिले आपको, वो इस तरह से चेंज होगा कि आपको रो क्या मिले बच्चों, आपको रो क्या मिलेगा,
कांस्टेंट मिलेगा, समझे आप मेरी बात? यस समझ में आ रही है ना बात? अभी है तो हमने दो चीज देखी, आर के बारे में देखा, रो के बारे में देखा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखने वाले हैं जी के बारे में। अब हम किसके बारे में देखने वाले हैं बच्चों? जी, जी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। जी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कंडक्टेंस। चलो और यहां पे जो बात करूंगा वो कंडक्टिविटी की बात करूंगा, ठीक है? चलो जैसे हमने आर देखा था, कंडक्टेंस क्या होता है कि वो दिखाता है कितनी तेजी से जो है करंट पास हो सकता है, 1/r। अब आप थोड़ा सा सोचो इसका यूनिट जो है, इसका यूनिट जो है वो क्या होता होगा बताओ? वन अपन ओहम, और आई कैन सी इसको हम बोल सकते हैं ओहम इनवर्स, और एक दूसरा नाम हम इसको देखते हैं सीमेंस, और एक नाम है इसका क्या है सीमेंस एस, एस में तो सेकंड भी आ सकता है, ठीक है? लेकिन ये कैपिटल एस है, सेकंड वाला स्मॉल होता है ना एस। हेलो, यस सर, ये कैपिटल एस है सीमेंस, यही बात समझ में? इसको क्या होता हम लोग सीमेंस, यस यही होता होगा। चलो इज इट क्लियर? ये जी का यूनिट है। दूसरी बात के क्या है? के इज इक्वल टू 1/ρ इज इक्वल टू 1/ρ, तो रो का क्या होता है मुझे याद करवाएगा? 1/r इंटू एल बाई ए, 1/r इंटू एल बाई ए, समझ रहे हो मेरी बात? के इज द इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी, सॉरी के इज द कंडक्टिविटी एंड इट्स इनवर्जन ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको हम लोग दूसरा नाम दे सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको हम लोग दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसका यूनिट क्या होता होगा बताओ? यूनिट ऑफ के क्या होता होगा बताओ? 1/ohm meter, ओहम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, छोटा यूनिट तो ओहम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स, या फिर सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, मींस ओहम इनवर्स की जगह हम लोग सीमेंस लिखते हैं, नथिंग एल्स, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है बात? तो ये है कंडक्टिविटी, इसी के ऊपर से हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपके पास जो सब्सटेंस है वो कितना अच्छा सा कंडक्टर है, कौन पुअर कंडक्टर है और कौन अच्छा सा कंडक्टर है, वो आपको इसी के ऊपर से डिसाइड करना पड़ेगा। यस ऑर नो? यस ऑर नो? तो इसको बेस बना के हम लोग देखेंगे, हम लोग इसको मेन टारगेट करेंगे और अकॉर्डिंग टू के will classify, we will classify our substance. हम हमारे सब्सटेंस को किसके तौर से क्लासीफाई करेंगे, किसके बेस से क्लासीफाई करेंगे? कंडक्टिविटी। अब एक बात बताओ बच्चों आपको, यहाँ पे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ K is equal to G into L by A, yes or no? हाँ या ना बोलो? G means here, na, 1/r, G into L by, yes or no? अरे बच्चे सुन रहे कि सब चले गए, कहाँ पे है सभी? हेलो, यस, हाँ अभी आंसर है, मैसेज आए, हाँ सो नहीं गए ना, बढ़िया। अब एक आप एक अब देखो कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, थोड़ा सा देखना, कई बार क्या होता है, मैनी टाइम्स वो लोग जी को ही कंडक्टिविटी बोल देते हैं यार। कई बार केमिस्ट्री में होता है, केमिस्ट्री वालों को तो इतना फिजिक्स पक्का नहीं है, वो जी को क्या बोल देते हैं? कंडक्टिविटी। अब हमारे लिए दिक्कत हो जाती है कि जब वो कंडक्टिविटी बोले
तब आप जी को ट्राई करेंगे कि फिर के को ट्राई आउट करेंगे? आप जी समझो कि के समझो, बताओ। कई बार केमिस्ट्री में कंडक्टिविटी मतलब जी मानते हैं, तो अगर उन्होंने जी बोला है कंडक्टेंस कि उन्होंने कंडक्टिविटी बोला है, उसका पता हमें चल सकता है सिर्फ और सिर्फ यूनिट के ऊपर से। आपका फोकस कहाँ पे रहेगा? यूनिट। अगर यूनिट सीमेंस है, ओम इनवर्स है, वन अपन ओम है, तो किसके बारे में बोलना चाह रहे हैं? जी के बारे में। और अगर यूनिट जो है वो कौन है भाई? ओम इनवर्स है, मीटर इनवर्स है, सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स है, तब हम बोलेंगे कि यस यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है वो किसकी बात करना चाहते हैं? के की बात करना चाहते हैं। तो एट दैट टाइम यूनिट विल प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फिर से एक बात बताता हूँ, कई बार कई केमिस्ट या फिर केमिस्ट्री में हम कंडक्टिविटी को जी भी बोलते हैं, तो हमें देखना है अगर कंडक्टिविटी बोलते हैं मोस्टली तो यही के होता है, लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ेगा? यूनिट देखना पड़ेगा कि वो एक्चुअली बोलना क्या चाहते हैं। अगर आपका आंसर नहीं निकल रहा है, आप कहीं पर कन्फ्यूज हो, तो एक बार गौर से देखना कि ये कंडक्टिविटी कहना क्या चाहते हैं, जी है कि के है। Is it clear what I am just saying? Yes, sir. ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। चलो अब हमारे पास फोर थिंग्स है, we have four parameters on the basis of which we can just find out conductivity and good conductor. Yes or no? चलो सबसे पहले हमने देखा R. R is equal to क्या आएगा बताओ? R is equal to rho L by A. Yes or no? चलो फिर आएगा rho is equal to A by L. चलो G is equal to 1 by R. और K is equal to 1 by R into L by E. चलो हो गया ये। अभी सिर्फ और सिर्फ हम सॉलिड के लिए बात करें। The same way, in the same way, हम लोग सॉल्यूशन में भी ये चारों की डेफिनेशन करेंगे, ऑलमोस्ट सेम जैसी ही है, लेकिन समझना थोड़ा सा डिफरेंट होगा। चलो इज इट क्लियर फ्रॉम योर साइड? यस और नो? अब हम टारगेट करते हैं के को। अकॉर्डिंग टू द के हम लोग देखना चाहते हैं कि कौन अच्छे से कंडक्टर है, ठीक है? चलो अब कई बार हम लोग ये ट्राई करते हैं, इसके के के मैग्नीट्यूड्स हैं, अकॉर्डिंग टू द के वी कैन क्लासिफाई आवर सब्सटेंस इनटू थ्री स्टेप्स, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर्स, फिर आएगा इंसुलेटर्स, फिर आएगा सेमीकंडक्टर, और अभी एक नई टर्मिनोलॉजी आई है जो फोर्थ है, और वो है सुपर कंडक्टर, यानी जबरदस्त कंडक्टर, ओके, जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है, ठीक है? चलो कंडक्टर्स में कौन आता है, चलो अब हम इसमें डिटेल में जाते हैं। अब कंडक्टर्स में कौन रखोगे? तो हमें पता है मेटल होती है एंड अलॉय ऑफ मेटल, मेटल एंड अलॉय ऑफ मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके? समझे आप ये बात? मेटल एंड अलॉय ऑफ मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उनकी वाइड रेंज है, जरूरी नहीं है बहुत अच्छी है, कई बार दिक्कत भी करती है, लेकिन हाँ अब आपके माइंड में ये है कि हर नॉन मेटल जो है, जो हर नॉन मेटल है वो इंसुलेटर है, गलत बात है। जैसे कार्बन है, इसी के बात करें हम लोग, जैसे कार्बन है, ठीक है, फिर ग्रेफाइट है, कार्बन मीन्स ग्रेफाइट, कार्बन ब्लैक है, और आजकल कई सारे पॉलीमर्स डेवलप हो रहे हैं, वो पॉलीमर भी अच्छे से क्या है बच्चों? कंडक्टर है। सो कंडक्टर में हम सिर्फ और सिर्फ कौन नहीं रखेंगे? सिर्फ और सिर्फ हम लोग मेटल नहीं रखेंगे, उसके साथ अलॉयज ऑफ मेटल, और हम लोग क्या रख सकते हैं बच्चों? कार्बन ब्लैक रख सकते हैं, और हम लोग क्या रख सकते हैं? पॉलीमर रख सकते हैं। यस और नो? आया ना? चलो यस सर। ओके, अब हम लोग जैसे बात करें ग्लास, ग्लास एंड सिरामिक्स, दे ऑल आर इंसुलेटर ऑफ
they all are insulator of electricity. Yes or no? Very low conductivity. Very low conductivity. K value यहाँ पे बहुत कम होती है. So that's why we are calling it as an insulator. Okay? Substance like silicon. आप डॉपिंग याद है ना आपको? सिलिकॉन, फिर डॉप्ड सिलिकॉन जिसमें हमने डॉपिंग कर रखी है, ऐसे सिलिकॉन, गैलियम एंड आर्सेनाइड पहले चैप्टर में पढ़ा है आपने, एन एंड पी टाइप ऑफ कंडक्टर. यस ऑर नो? यस सर. तो इनकी जो कंडक्टिविटी होती है ना, इनकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में आती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आती है, इसीलिए हम इसका क्या नाम देते हैं बच्चों? सेमीकंडक्टर नाम देते हैं. क्या नाम देते हैं इसको? सेमीकंडक्टर नाम देते हैं. यस ऑर नो? हेलो. यस सर. ये चीज तो आपको पता ही थी. अब हमारे पास एक नई टर्मिनोलॉजी है, सुपर कंडक्टर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सुपर कंडक्टर? या व्हाट डू यू मीन बाय सुपर कंडक्टर? इससे आपका मतलब क्या है भाई? सुपर कंडक्टर का मतलब, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा खाली करता हूं मैं समझाने के लिए, ठीक है? ये वाला पोर्शन. चलो, बात ये है जीरो रेजिस्टिविटी. सुपर कंडक्टर मीन्स बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन, हम लोग इसको बोल सकते हैं सुपर कंडक्टर. इसकी जो ये माना जाता है कि जीरो रेजिस्टिविटी होती है, इसको कैसे? जीरो रेजिस्टिविटी, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं इनफाइनाइट इनफाइनाइट कंडक्टिविटी. इसकी कंडक्टिविटी इतनी है, बाकी किसी की नहीं है. ओके, तो ये कौन होते हैं? पहले तो यही माना जाता था कि मेटल है और अलॉय है, अलॉय ऑफ दैट मेटल. ओके, एट अ वेरी लो टेम्परेचर act as a good conductor. पहले यही माना जाता था सिर्फ और सिर्फ मेटल और अलॉय वो कंडक्टर होते हैं, लेकिन उसमें आप कंडीशन चेंज करो, आप अगर उसका टेम्परेचर बहुत कम करेंगे तब जाके वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? सुपर कंडक्टर में. लेकिन अभी रिसर्च बहुत चल रहे हैं आगे. ओके, और उन्होंने नाउडेज उन्होंने एक चीज ये देखी है, आजकल के दिनों में उन्होंने ये देखा है कि कई सारे सिरामिक मटेरियल्स जो होते हैं, सिरामिक मटेरियल्स, ओके, एंड मिक्स्ड ऑक्साइड्स आर आल्सो सुपर कंडक्टर. लेकिन यहां पे टेम्परेचर आपको कितना रखना पड़ेगा? एट अ 150 केल्विन, वैसे नीचे ही है. ओके, तो ये 150 केल्विन है वो टेम्परेचर पे सिरामिक है और मेटल के ऑक्साइड वो सुपर कंडक्टर है. तो ये वाला पोर्शन पूरा किसके लिए हमने पढ़े? सुपर कंडक्टर. आजकल इसके ऊपर रिसर्च बहुत चल रही है. सुपर कंडक्टर मीन्स जीरो रेजिस्टिविटी और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी. कई सारे मेटल और अलॉय है लो टेम्परेचर पे वो सुपर कंडक्टर है, लेकिन कई सारे सिरामिक मटेरियल्स और मिक्स्ड ऑक्साइड है 150 केल्विन पे क्या रखते हैं? वो 150 केल्विन पे क्या होते हैं बच्चों? गुड कंडक्टर है. समझे आप मेरी बात? यस ऑर नो? सर, मर्क्यूरी और टिटेनियम भी सुपर कंडक्टर है ना? हाँ, यस, मर्क्यूरी इज अ गुड कंडक्टर, लेकिन उसको अभी फिलहाल कंडक्टर में रखो. उसको फिलहाल किस में रखेंगे हम लोग बच्चों? कंडक्टर में. लेकिन सर टिटेनियम तो सुपर कंडक्टर है ना? नहीं, टिटेनियम ऐसा सुपर कंडक्टर नहीं है. वो मिक्स करते हैं और अलॉय बनाते हैं तब जाके वो सुपर कंडक्टर बनता है. अदरवाइज टिटेनियम ऐसा हम नहीं बोल सकते वो सुपर कंडक्टर है. टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, अदरवाइज सभी मेटल को हम लोग कंडक्टर में ऐड करेंगे. और बताओ, एक बात बोलूं तुम्हें, अगर सुपर कंडक्टर है ना तो तुरंत जल जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट जो है वो ड्राइव करते हैं. समझे आप? हीट एनर्जी ज्यादा क्रिएट होती है अगर रेजिस्टेंट है तो. चलो जाने दो वो सब बातें, आप पहले ये रख लो याद, कंडक्टर है तो उसमें मेटल डालेंगे, मेटल की अलॉय भी डालेंगे. हाँ, आजकल तो बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं
प्लास्टिक कई सारे ऐसे पॉलीमर है कि जो कंडक्टर है, कार्बन है, ग्रेफाइट है, कार्बन ब्लैक है, वो भी कंडक्टर है, इंसुलेटर, तो ग्लास, सिरामिक जैसे सब्सटेंस है, ओके, जो बहुत ही कम, जिसकी कंडक्टिविटी बहुत लो है, उसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। सेमी कंडक्टर, सिलिकॉन है, उसके अंदर आप इम्प्यूरिटी डालो, गैलियम आर्सेनाइड है, तो उसको हम लोग सेमी कंडक्टर बोलते हैं। That's all. चलो समझ गए इतनी बात, यस और नो, आया ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये याद रखना, सुपर कंडक्टर को दूसरा क्या बोल सकते हैं, उसकी जीरो कंडक्टिव रेजिस्टिविटी होती है, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी होती है बच्चों। यस और नो? यस। चलो और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे। दूसरी चीज कि कोई भी मटेरियल है, कोई भी सॉलिड है, वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कंडक्टिविटी कितनी हो वो, तो सबसे पहले उसका नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल, ये सुनो। दूसरी चीज यहाँ भी लोगों ने दे रखी है आपकी टेक्स्ट बुक में, दूसरी चीज दे रखी है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा बताओ, कि टेम्परेचर। एक बात बताओ, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी कम होगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया, तो पूरा वाइब्रेशन फोर्स आएगा यहाँ पे, ये पूरे प्लस और इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होंगे और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो पहले स्ट्रेट जाते थे, लेकिन आप क्या होंगे, यहाँ से टकराते टकराते आगे बढ़ेंगे, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। फॉर मेटल इफ टेम्परेचर विल बी इंक्रीज, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज एंड कंडक्टिविटी विल डिक्रीज, रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जो मेटल होती है ना, जो मेटल्स, उनके लिए क्या होता है बच्चों, मेटल्स के लिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना बच्चों, तो जब आप मेटल के लिए टेम्परेचर बढ़ाते हो, तब वहां पे रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाती है, अच्छे से बढ़ जाती है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। आपको होमवर्क में जितना चलाओ अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक लिखना है, एक बार मुझे सेंड करना है, पर मैंने जो लिखवाया है वो एज अ क्लास नोट मुझे सेंड करना है, एक बार अच्छे से पढ़ना है और यहां तक का चैप्टर आपको क्लियर करना है। एम आई राइट, एम आई करेक्ट, कर लोगे ना ये? यस सर। तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात? चलो तो आज के लिए मैं लेक्चर खत्म करता हूं, कल वापस टाइम दूंगा, आ जाओगे ना कल भी, हर रोज ले लेते हैं ना लेक्चर? यस सर। थैंक यू वेरी मच। और मैंने सभी वीडियोस की लिंक आपके ग्रुप में रख दी है, एम आई राइट?